अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से खैरियत से हूँ। सो जी, आपने थंबनेल और टाइटल से देख लिया होगा कि आज हम करने जा रहे हैं मरियम परवेज के DIY सीरम पे, समर सीरम पे रिव्यू, जो कि उन्होंने रिसेंटली आई गेस 2 से 3 मंथ्स पहले उन्होंने जो है ना रेसिपी बताई थी, वीडियो डाली थी। सो उस पर हमने जो है ना आज रिव्यू करना है कि ये किस तरह से सीरम वर्क करता है, क्या जिस तरह मरियम परवेज कहती है कि ये मैजिक इंडी बॉटल है, तो क्या ये वाकई है कि नहीं है। सो पहले जाके जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर डालें। मैं इसी तरह से रेमेडीज़ का भी रिव्यू करती रहती हूँ और प्रोडक्ट्स का भी रिव्यू करती रहती हूँ। तो फिर चले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो कुछ इस तरह से थी कि उनकी जो जो उन्होंने रेमेडी बताई थी वो भी मैं सेम रेमेडी बता रही हूँ, लेकिन अगर आपने एग्जैक्टली उनके जो बेनिफिट हर एक चीज के देखने हैं कि किस तरह वो डाल रही है और हर एक चीज के बारे में बता रही है, तो वो डेफिनेटली आप मरियम परवेज की वीडियो पे देख सकते हैं, जो कि मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। क्योंकि रियल कंटेंट तो उन्हीं का था, मैं तो सिर्फ उन पर रिव्यू कर रही हूँ। इस तरह से 2 टेबल स्पून उन्होंने डाले थे रोज वाटर, जो कि मैंने भी डाल दिया, और 1 टेबल स्पून उन्होंने डाला था रोज ऑयल का। ये ओलिम का रोज ऑयल है। मैं ओलिम पे भी इंशाल्लाह कुछ दिन बाद जो है ना रिव्यू कर लूंगी। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ले लिए ओलिम के मैंने, ठीक है। और उन्होंने जो किया था कि वाइटनिंग कैप्सूल, उन्होंने कहा था कि वो 2 वाइटनिंग कैप्सूल वो डाल रही थी, तो वो मैंने भी डाल दिए 2 वाइटनिंग कैप्सूल इसके अंदर। बिल्कुल मल मल के डालने हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है ना हमने ज़ाया नहीं करनी, ठीक है। अच्छी तरीके से मैंने इसको निकाल लिया था, और उसके बाद जो है हमने डालने इसमें विटामिन ई कैप्सूल 2, ठीक है। एक ये चला गया, दूसरा जो है ये चला गया इसके अंदर। अब उसके बाद बस ये 4 ही इंग्रेडिएंट्स हैं सीरम के लिए रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना इसको अच्छी तरीके से हमने ब्लेंड कर देना है चमचे से, ये अच्छे तरीके से जो है ना आपने इसको मिक्स कर देना है कि ये एक जान हो जाए, ठीक है। अच्छी तरीके से हम इसको ब्लेंड करेंगे 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 करेंगे। मेरा जो रोज़ ऑयल था वो रेड था, और मरियम परवेज़ का आई थिंक थोड़ा ऑरेंज पे कलर था। और ये देखें, ये बन गया हमारा यकजान सिरम, ठीक है। बस इतना ही सिरम बनाना था हमने, मतलब मेहनत सिर्फ इतनी लगती है, चीज़ें डालो, मिक्स करो और सिरम आपका बन गया, ठीक है। अब इसको जो ना मैंने ड्रॉपर की बोतल में डालना है, किसी भी आप कांच की बोतल ले लें, उसमें जो है आप इसको डाल दें, ठीक है। ड्रॉपर की बोतल थी तो वो इजी रहती है सिरम के लिए, ठीक है। ये मैंने फुल कर लिया है, इसका पिंक पिंक कलर का हमारा सिरम तैयार हो गया। अब मैं करती हूँ इसका रिव्यू। पहले मैं आपको इसको अप्लाई करने का तरीका भी बता देती हूँ। तरीका तो कोई नहीं है, बस ये कि मैं थोड़ा सा जो है ना इसको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से मैं लगा रही हूँ। बहुत ही प्यारी शक्ल है सिरम की, मतलब पिंक पिंक रोज़, हमारा क्या होता है मिल्क रोज़ जैसा होता है ना, जो हम दूध में थोड़ा सा शरबत बना के पीते हैं, वैसी इसकी खुशबू भी वैसी थी और शक्ल भी वही थी, ठीक है। अब इसको जो ना थोड़ा सा 2 से 3 ड्रॉप मैंने हाथ में लगाने हैं, हाथ में मैं दिखाती हूँ, और इसको जो ना आराम से हमने जो है ब्लेंड कर देना है हाथ को, ठीक है, मसाज कर देना है। अब मैं अगर अपने रिव्यू की बात करूँ तो ये देखें कि मेरी है कॉम्बिनेशन स्किन, ठीक है, नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मुझे तो बहुत जो ना सूट कर गया ये सिरम। क्यों? क्योंकि मतलब बिल्कुल जो हमारी गर्मियों में डलनेस हो जाती है स्किन, वो इतनी ब्राइट हो गई है ना स्किन कि यकीन करें कि ये वाकई मैजिक इंडी बॉटल है। मैंने अपनी सिस्टर को भी करवाया जिसकी ऑयली स्किन है, तो उसको जो है ना थोड़ा सा ऑयल का इशू हो रहा था कि उसको पिंपल वगैरह निकल रहे थे, लेकिन ओवरऑल जो ना उसको भी रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। मतलब स्किन बहुत ब्राइट हो गई है, जो आपकी डलनेस होती है स्किन में, सारा सन टैन वगैरह हर एक चीज़ निकल गई है, ठीक है। लेकिन इन्हीं की मरियम परवेज के नीचे ही कमेंट में एक था कि उनकी सेंसिटिव स्किन की कोई लड़की थी या कौन था, कि उन्होंने कहा था कि उनका जो है ना सत्यानाश हो गया स्किन का। मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगी सेंसिटिव स्किन के लिए, क्योंकि मैंने खुद अप्लाई नहीं किया है सेंसिटिव स्किन पर, लेकिन जो जो मुझे पता चलेगा तो मैं तो अपने व्यूअर्स को बताऊंगी कि सेंसिटिव स्किन वाले प्लीज़ इससे दूर रहें। ऑयली स्किन वालों के लिए ये है कि थोड़ा पिंपल का इशू हो जाता है, कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए तो ये बेस्ट ही बेस्ट है। और ड्राई वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी स्किन वैसे भी इतनी ऑयली नहीं होती है गर्मियों में भी कि उनको पिंपल वगैरह निकल आए, ठीक है। आज का रिव्यू था यहीं तक, और बहुत अमेजिंग ये सिरम है, आप भी ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा। इतना कोई एक्सपेंसिव भी नहीं हो रहा होता है, अफोर्डेबल भी हो जाता है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा मुझे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।